हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम निकले थे रेलवे स्टेशन के लिए एंड वहाँ पर हमारे सारे रिलेटिव्स हमें मिले, सबके साथ हम ट्रेन में बैठे एंड यस हम निकल चुके थे उज्जैन के लिए। ट्रेन में बैठ के हमने बातें की, बहुत मस्ती की और हमने साथ में खाना खाया और फिर उसके बाद सुबह हम पहुंच गए थे उज्जैन जंक्शन और फिर वहां से हम अपने होटल रूम के लिए निकल गए थे। और फिर अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि व्लॉग में क्या हुआ। मैंने एक रूम ले लिया था एंड अभी मैं नहा ली हूँ एंड अब मैं तैयार होंगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने। सो अभी मैं हो रही हूँ तैयार, सो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम जा रहे हैं बड़े गणेश जी के मंदिर, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम मंदिर जाएंगे। इस क्लिप में आपने देखा होगा मौसी ने क्या बोला है कि हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मंदिर। लेकिन हम पहले मंदिर चले गए, ब्रेकफास्ट उस दिन हुआ ही नहीं एंड यस लंच और ब्रेकफास्ट एक हो गया, ब्रंच हो गया था उस दिन तो हमारा बहुत अच्छे से। सो यस इस व्लॉग को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। गाइस हम आ गए हैं मंदिर, आ गए हम। दीदी दीदी एफसी लगवा, ये क्या बात है? अरे भैया मत करेंगे, तेरा लाठ मारिया रे बे, तेरा लाठ मारिया रे बे। इसकी नाक पे खास मेरे को नहीं लगवाना, नहीं लगवाना मेरे को, दिखाओ वीडियो नहीं अपना मुंह। सो हम गाइस मंदिर के अंदर आ चुके हैं। पुलिस बैठी है, दो घंटे हो गए हैं घूमते हुए, यहाँ पर कुछ खाने के लिए ढंग की जगह नहीं है, सारी जगह अनहाइजीनिक है यहाँ पर। सो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं सो पहले से रिसर्च करके आएँ कि कौन सी जगह अच्छी है खाने के लिए। फिलहाल के लिए हम एक जगह पर तो रुके हैं जो कि अंग्रेश्वर रेस्टोरेंट करके, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं बचा है, गर्मी इतनी हो गई है इस टाइम पे। Yeah.
ये इसका मेन्यू कार्ड है, थकेला मेन्यू कार्ड, ये इसका पानी का जग है, मतलब मेकअप नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं तो सब मुंह देखूं मेरा कैसा हो गया गर्मी में, वरना सारे रेस्टोरेंट में तो क्यों है कूद रहे थे सब नहीं कर रहे सो गाइस फाइनली कुछ ढंग का सा रेस्टोरेंट मिला है एंड हम छोड़ के आ गए हैं, वहाँ डोसे लिए थे बहुत गंदे थे और फिर जब हमसे वहाँ बैठा ही नहीं गया तो पापा हम तीनों को लेकर हटीली आ गए जो वहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट हम कह सकते हैं एंड यस आप देखना इसमें आगे मैंने आपको रिकमेंड भी इसको किया है, बाकी सब नहीं आए, बाकी सबको बहुत भूख लगी थी तो वो वहीं पर बैठ गए। फ्रेंड्स अब कुछ जान में जान आई है यहाँ पर आके, वहाँ तो मन 2 घंटे से बहुत मायूस हो गया था, सो आप भी अगर उज्जैन आ रहे हैं ना सो हटीली रेस्टोरेंट है तो उसको चेकआउट यहाँ पर ज़रूर करें। बाकी अभी वैसे एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, बाकी रेस्टोरेंट से कंपेयर ऐसा नहीं मिलेगा आपको उज्जैन में, सो अभी हम खाना आएगा उसको भी टेस्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है। गाइज हमारी अरुणा आइसक्रीम थोड़ी सी शेप खराब है पर अच्छी है, तो बेल्जियम है। नहीं मैं डबल चॉकलेट है, देख लो अरुणा आइसक्रीम भी है यहाँ सेम टेस्ट है, क्वालिटी बहुत जैसा कोई डिफरेंस नहीं है, बेल्जियम है। गाइज थम्स अप फ्रॉम माय साइड, 101% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो कोई भोजनालय में आपको जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको अच्छा खाना खाना है आप आ सकते हैं हटेली। देन फिर हमने वहाँ पर होटल रूम्स भी चेक किए थे जो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे लगे, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सो नेक्स्ट ट्रिप में मे बी हम अगर आते हैं तो हम यही कंसिडर करेंगे, सो यस आप भी देख लो। Few moments later. अब हम जा रहे हैं कार भैरव, काजल गई आज बहुत ज्यादा थक, अब काजल को लगा मेरे साथ तो हो गया धोखा। क्यों ऐसा क्या हुआ आज? काजल हो गई परेशान, उसको नहीं मिला खाना मुझे लगा यहाँ नहीं मिलेगा कुछ खाने को सिवा धक्के खाने को क्या करें, फिर बाद में मिला, फिर एक उम्मीद की सुनहरी किरण जागी और हम गए, कहाँ गए थे हम? हटीली। हटीली जहाँ ये शाम को ये भी जाएंगे और ये कहेंगे कि हम जब भी उज्जैन पधारेंगे हम इसमें ही आएंगे। फिर तो आया मजा और तब उसके चेहरे पे आई हंसी, हाँ हल्की हल्की रौनक मौसी के चेहरे पे भी आने लगी है क्योंकि अब उन्हें लग रहा है सुबह की शाही थाली ऐसी खाई है कि अब हटेली जाएंगी मेरी वीडियो देखकर पहले से, क्योंकि लग गए हैं मरोड़े मरोड़े लग गए हैं मरोड़े 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 लग गए मरोड़े मौसी के और किसके लग गए
हालत है खराब लोगों की, पर कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हमारे कहने पर ये जाएंगे आज हटीली। अभी मैं मोसा जी से ट्रेनिंग ट्रेंड नहीं हूं ना उतनी कि एकदम कैमरा ढक ऑन कर दूं मैं, इसलिए सुबह भी उसके चाय पे तैयार हो रही है। चाय पी ले मौसी वन पोती मामी, सबने कपड़े बदल लिए हैं सिवाय मोसा जी के। आप कपड़े नहीं बदलेंगे क्यों? एक ही लाए ऊपर नीचे का ना, ले लो बदलने तो। सबको देखे और अपना मन बनाए कि मुझे भी करना है। मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं ऐसे ही अच्छा हूं। अच्छा और तू? मैं तो वही जो बच्चे सुस्त है आजकल के, लेट जाते हैं बार बार। ओके लाए तो क्यों ना कपड़े बदले। और देखो इसको किसी प्यार से गाना गा दे, बोझा बोझा बहुत धोया बोझा। ओ हो हो लो गाइस चाय पीजिए। चाय चाय के कप का साइज देखे और पी सके तो पी लीजिए, पी लीजिए क्योंकि छोटा है। ये क्या बड़ा है भाई? पर मोटा है। अरे ये क्या पड़ा है? ये कोलरा, ये चोटी काटने वाली, ये चोटी काट के एक औरत की यहाँ पर रख दी है। चोटी काटने वाली चुड़ैल वापस आ गई। कौन चुन्नियों का सेट लेके आया? सुबह मैंने एक व्हाइट भी देखी थी ऐसी। मासी लाई थी चुन्नियों का सेट ले आई क्या आप? बजाज की ना, 100 की। अच्छा सो किया ओढ़ने से पहले तोड़ दे, मतलब वो फाड़ देना इसको। फिर से भागो। निकल चुके हैं क्या? हाँ तो अच्छी नहीं लग रही बैठी। तो अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, एक अलग सी गाड़ी में जो यहीं पर ही अवेलेबल है। So guys, मैंने कहा था ये अजीब सी गाड़ी है यहाँ की जो जैन नहीं पाई जाती है, बट ये खराब हो चुकी है सक्सेसफुली, ये खराब हो चुकी है। और जो गाड़ी वाला है वो हमें एक और अलग गाड़ी में शिफ्ट कर रहा है। कैसी जगह है। So guys, हमारी अजीब गाड़ी नंबर 2 आ गई है। अब देखते हैं ये खराब होती है या नहीं। चलो चलो चल 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 भाई चल। ये लंबे चल रहे हैं तो। ये दोनों एक सीट पे बस अभी देखी तेरी गाड़ी को। ए इधर हो जा तू। लोगों को सुहान ना है। उठ रहे हैं लोग थोड़ी चल रहे हैं। अलंगूर हैं। कहाँ हैं? ये बोल। पिंक घर पे पिंक। और फिर कौन लोग अंदर रहते हैं? लंगूर हैं वो बैठे दीवारों पे।
बम बम और जोर की बम बम हाँ बोलो ना बेटा बोलो बाद सभी बड़े लोग चले गए थे गोपाल मंदिर एंड हम सभी बच्चे अपने होटल रूम में वापस चले गए थे बिकॉज हम बहुत थक गए थे एंड और ज़्यादा हमसे मंदिर नहीं घूमे जाते इसलिए सभी चले गए थे। सो ये जो सारी क्लिप्स हैं ये मूसा जी ने ली थी मेरे कहने पर एंड यस थैंक्स मूसा जी इतने एफर्ट्स के लिए। हो जाओ साइड 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 उतर जाओ सारे लैंड में लगते जाओ लो हेलो हाय और भाई खाना वाना खा लिया आपने खाना वाना खा लिया यस बहुत अच्छा काम था है ये ही हमारी करीना जी जी काजल सागर का ब्लॉगर काजल सागर काजल सागर दासी हो रही आज बड़ा कलर बनाया Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. रंग तेरे साथ तो करना चाहिए कुड़िया के साथ ऊंचा प्रदर्शन ठाक है कड़े करके ऐसे चल मुबारक चश्मा लगा रहे हुआ क्या होएगा देखिए तबावला बन रहा है आज तू हुआ है ये हुआ इतना बड़ा हुआ है क्यों हो रहा है खड़ा क्या आएगा खड़ा हो गया हाइट दिखाएगा हमारे को बता दो हो क्या रहा है बता रही हूँ केशव का बर्थडे आज
12 बज रहे हैं, मेरे को मत ले। अच्छा मेरे ही 12 बज रखे हैं। नहीं नारी में पीड़ित बर्थडे भाई मैं सोची पता नहीं क्या होगा सामने वाले क्यों हमारा गेट पीट रहे हैं। सो गाइज यही डे वन ऑफ ट्रिप हमारा ख़त्म होता है। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आज के लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। अब मिलते हैं अगले अमेजिंग से ब्लॉग में और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। स्टिल देन बाय एंड स्टे हैप्पी।